करने के लिए सबसे पहले InShot ऐप में आपके फुटेजेस को इंपोर्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप जब फिल्टर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला है फिल्टर, उसके बाद है इफेक्ट एंड थर्ड है एडजस्ट। फिल्टर के अंदर आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं जो कि डायरेक्टली आप अपने फुटेजेस में यूज कर सकते हो एंड इजीली आप जो प्रीसेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके फुटेजेस को आप कलर ग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने फुटेजेस को एक कस्टमाइज लुक देना चाहते हो तो आपको एडजस्ट में जाना होगा। जैसे आप एडजस्ट में क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। हर एक ऑप्शन आपके फुटेज को अलग तरह से मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कुछ समय तक इन सारे ऑप्शंस को यूज करके अलग अलग फुटेजेस को कलर ग्रेड करना होगा एंड धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन किस तरह का मॉडिफिकेशन करता है। यहाँ पे मैं इस फुटेज को कलर ग्रेड करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन सारे पैरामीटर्स का वैल्यू आपके फुटेज के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर किस तरह का लुक आप देना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करके आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लाइटनेस, जो कि आपके फुटेज के ओवरऑल ब्राइटनेस लेवल को अफेक्ट करता है। प्रो सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे आपको कोई भी हिस्टोग्राम या फिर कोई भी ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा जिसका रेफरेंस लेके आप पता लगा पाओ कि आपने सही ब्राइटनेस यूज किया है कि नहीं। इसके लिए बेस्ट वे यही है कि जब भी आप लाइटनेस को यूज करोगे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हाईलाइटेड एरिया है फुटेज में वहां से डिटेलिंग लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट, जो कि आपके ब्राइटेस्ट एंड जो डार्केस्ट एरिया है उसका डिफरेंस है। कॉन्ट्रास्ट को आप जैसे ही इंक्रीज करोगे तो आपका फुटेज ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है वार्म एंड टिंट, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। आपके फुटेज के ऊपर डिपेंड करके इन दोनों पैरामीटर्स को आपको चेंज करना है। अगर आपका फुटेज थोड़ा सा हॉट है, सनी डे है, तो आप वार्म को थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हो। उसी तरह से अगर आप कोल्ड एरिया जहाँ पे बर्फ गिर रहा है ऐसे किसी जगह का कलर ग्रेड कर रहे हो तो आपको टिंट को थोड़ा सा हाई रखना है। उसके बाद है सेचुरेशन, जो कि आपके फुटेज का ओवरऑल जो कलर का सेचुरेशन है वो बढ़ा देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको HSL मिलता है जिसका मतलब है ह्यू सेचुरेशन एंड लुमिनेंस। सेचुरेशन में जैसे आप एक ग्रुप ऑफ कलर्स को अफेक्ट करते हो उसका सेचुरेशन बढ़ा देते हो, ओके आपको वहाँ पे इंडिविजुअल कलर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन HSL के अंदर आप इंडिविजुअल कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हो, उसका सेचुरेशन बढ़ा सकते हो, लुमिनेंस बढ़ा सकते हो और उसके मदद से आप किसी भी कलर को आपके फुटेजेस से रिमूव कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है फेड, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। आपको दिखाई देगा कि बहुत सारा जो प्रो और फिल्म मेकर्स है या फिर वीडियोग्राफर्स हैं वो अपने फुटेजेस को थोड़ा सा फेडेड आपको देखने को मिलेगा, तो इस ऑप्शन के मदद से आप अपने फुटेज को थोड़ा सा फेडेड बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको हाईलाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसको यूज करके आप अपने फुटेज का हाईलाइटेड जो पोर्शन है उसको आप चेंज कर सकते हो। जनरली आप जब अपने फुटेजेस को कलर ग्रेड करते हो तो कलर ग्रेड करते करते आप ऐसे एक स्टेज में पहुंच जाते हो जहां पे आपका हाईलाइटेड जो पोर्शन है वो ब्लोन आउट होता है, वहां का डिटेल लॉस हो जाता है। तो ऐसे केस में आप इस ऑप्शन को यूज करके अपने हाईलाइटेड एरियाज का डिटेल फिर से वापस ला सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप शेडोज को फिर से मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है हाईलाइट एंड शेडो। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स अपने फुटेजेस में ऑरेंज एंड टीन लुक यूज करते हैं जो कि काफी फेमस लुक है, तो इस कलर ग्रेड को अचीव करने में ये ऑप्शन काफी हैंडी रहता है जिसके मदद से आप हाईलाइट्स को एक अलग टोन दे सकते हो एंड शेडोज को एक दूसरा टोन आप दे सकते हो। तो ऑरेंज एंड टील लुक को अचीव करने के लिए आपको हाईलाइट्स में थोड़ा सा ऑरेंज को इंक्रीज करना है एंड शेडोज में आपको टील को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ओके इस तरह से आप इंक्रीज कर ले। उसके बाद यहाँ पे आपको विगनेट का ऑप्शन मिल जाता है जिसके मदद से आप जो एजेस हैं उसको थोड़ा सा ब्लैकिश कर सकते हो। इसको यूज करने से आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें फोकस बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो साइड का एरिया होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए इस ऑप्शन को आप डेफिनेटली यूज करें। एंड लास्ट ऑप्शन है शार्पनेस, जो कि आपके फुटेज के शार्पनेस लेवल को इंक्रीज कर देता है। मैंने अपने फुटेज का कलर ग्रेड कर लिया है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करके आप देख सकते हो बिफोर एडिट एंड आफ्टर एडिट। ये देखिए तो कुछ इस तरह का कलर ग्रेड मैंने कर लिया है।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप कलर ग्रेडिंग के ऊपर कुछ चीजें जान पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।